Hey guys, welcome back to my YouTube channel JDC Academy. Hopefully, आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी जो अपकमिंग न्यू वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर हमारे पास 4th है द्विघात समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 4.1 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर आपने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 यानी कि प्रश्नावली 4.2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास द्विघात समीकरण दी हुई है और हमने गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास यहां पर अभी तो कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, यानी कि इस पहले नंबर की गुणा इस लास्ट वाले नंबर के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर कोई नंबर नहीं है, अगर मैं 1 मान लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक की गुणा अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ करूंगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 की गुणा 10 के साथ, यानी कि हम क्या करते हैं इन दोनों यानी कि फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट करते हैं यानी कि गुणा करते हैं। ये गुणा करके कितना आया 10, ठीक है। अब 10 आ चुका है, अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको गुणा करने पे 10 आए और या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे मेरा 3x आए। तो वो कब होगा, जब मैं इसके गुणनखंड निकालूंगा। तो जब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 5, ठीक है। यानी कि वो दो नंबर क्या होंगे, 5 और 2 होंगे। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा 7 आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3x चाहिए। तो यानी कि अगर मैं 5 में 2 को घटा दूंगा सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, यानी कि x की टर्म में चाहिए तो ये हो जाएगा 5x और -2x, ठीक है। घटाने पे ये आ जाएगा, यानी कि मैं इस 3x की जगह क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस। अब देखो अगर मैं यहां बीच में माइनस लिखूंगा, अगर आप ध्यान देंगे तो 5x -2x -10 = 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये 5x क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो 7x आ जाएगा। अगर मैं यहां क्या कर लूं, प्लस कर लूं, और क्योंकि मुझे 3x क्या चाहिए माइनस में चाहिए तो इसलिए मैंने 5x को आगे लिख लिया है और माइनस क्या है 5x के साथ, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5x में से 2x अगर हम घटा देंगे तो मेरे पास -3x आ जाएगा। इक्वेशन का कुछ फर्क पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं, हम दो दो पेयर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, दो दो के पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन दिखता है उसको बाहर ले आएंगे। तो इन दोनों में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन एक्स दिख रहा है, तो मैं एक्स बाहर कॉमन ले लूंगा। अंदर क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसके पास 2x थे, 1x कॉमन ले लिया, यहां बचा हमारा x, बीच में माइनस है तो माइनस ले दो। इस 5x में से x हमने बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा 5, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपको नहीं दिख रहा है लेकिन इन दोनों में कॉमन है। क्या है कॉमन, मैं 10 को क्या लिख सकता हूं, 5 × 2 10 ही तो होगा, यानी कि इन दोनों में कॉमन मेरा हो जाएगा +2 एंड यहां पर क्या हो जाएगा, अंदर क्या बच रहा है, ये 2 तो कॉमन आ चुका है, यहां पर बचेगा x और ये हो जाएगा मेरा माइनस। अब देखो यहां मैंने 10 को क्या लिखा था, 2 × 5 2 तो मेरा बाहर आ चुका है, बचा कितना 5, तो अंदर बचेगा -5, ठीक है, = 0। अब यहां पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में सेम है, ये ब्रैकेट में सेम है, ये तो कॉमन आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा x -5 मेरे पास कॉमन। अब क्या बचा, इन दोनों में से तो हमने कॉमन ले लिया, मेरे पास बच रहा है x और +2, यानी कि दूसरा क्या आ जाएगा x +2, ठीक है, = 0। अब इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहां पर हम लेंगे यदि यदि x -5 = 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5, एक हम निकाल चुके हैं। दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, यदि इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x +2 = 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2। बस हमको इसके मूल निकालने थे जो हम निकाल चुके हैं, यही हमारे क्या है दो मूल आ चुके हैं और यहीं पर हमारा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया है, यहां पर वर्क को मैं हटा दूंगा क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने क्या निकाल दिए हैं, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के हमने मूल निकाल दिए हैं। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x² + x - 6 = 0, इसके भी हमने क्या निकाले हैं, मूल निकाले हैं और यह क्या है हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो इसको भी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है सेम करना है इसको भी सॉल्व। अब मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट वाले नंबर की गुणा लास्ट वाले नंबर के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 6 = 12, ठीक है। अब मुझे इस 12 के लिए क्या निकालना पड़ेगा गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 12।
अब ये गुणनखंड क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि मुझे बीच का पद चाहिए यानी कि मुझे एक्स चाहिए, तो एक्स कब आएगा अब, यानी कि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो वन मान लो, यानी कि मुझे वन एक्स चाहिए, तो वन एक्स कब आएगा जब मैं क्या करूंगा कि इससे गुणनखंड निकालूंगा और उसमें से एक पेयर बना के ऐसे दो नंबर लूंगा कि जिनको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे मेरा क्या आ जाए, वन एक्स आ जाए। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे, ये हो जाएगा दो से, दो छके बारह, फिर दो से दो क्या छह, फिर तीन से तीन कम तीन। अब देखिए अगर मैं यहां से इसको फोर बना लूं, पेयर बना दिया और ये सिंगल छूट रहा तो थ्री, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, मैंने क्या बोला था आपको, या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे मुझे बीच वाला पद निकालना है, तो वो कब आएगा, अब देखिए इन दोनों को ऐड करूंगा तो सेवन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं माइनस करता हूं तो चार में से तीन को घटा देंगे तो एक बचेगा, यानी कि वन ही बचेगा। अगर मैं एक्स की फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा, वन एक्स बचेगा, ठीक है, सिंपली वन हम लिखते नहीं है तो एक्स बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको एज्यूम कर दिया, यानी कि मैं इस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, तो यहां लिख देंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि हम दो दो के पेयर बना लेते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए हमने क्या बनाए थे, दो दो के पेयर बनाए थे, तो इस प्रकार से पेयर बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4x को 2x मल्टीप्लाई 2, तो दैट मींस इन दोनों में 2x मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 2x मेरा बाहर आ गया, यहां से 2x बाहर ले गया, यहां पर 1x बचा प्लस इसका भी 2x बाहर आ चुका है तो यहां बचेगा 2, ठीक है। अब कैसे, एक बार दोबारा बता देता हूं, इस 4x को क्या लिख सकते हैं, 2x मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो यहां पर से इसका 2x और इस वाले का 2x हमने बाहर कॉमन ले लिया, इसका x स्क्वायर में से 1x बाहर आ चुका है तो यहां पर एक ही x बचेगा यानी कि x, और इसका क्या बच रहा था सिर्फ 2, तो यहां 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 6 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3, अब यहां भी 3 है, इस 6 में भी 3 छिपा हुआ है तो मेरा माइनस जो है 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, सिंपली। और दूसरी चीज अंदर क्या बच रहा है, इस 6 में 2 बच रहा और इसमें x बच रहा, तो x, अब देखिए अगर मैं यहां प्लस लेता हूं तो सिंबल अपोजिट हो जाते हैं ना, तो प्लस माइनस का ऑलरेडी माइनस हो जाएगा यहां, तो यहां बच जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि जो हमारे पहले वाले ब्रैकेट में आएगा सेम टू सेम हमारा दूसरे वाले ब्रैकेट में भी हमेशा आता है, अगर आपका नहीं आता है सेकंड वाले ब्रैकेट में तो दैट मींस आपकी कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हुई है। तो देखिए यहां पर हमारा क्या बच गया, एक ये और ये कॉमन आ जाएगा यानी कि x प्लस 2 कॉमन आ चुका है, और दूसरा क्या बचा यहां पर इज इक्वल टू 0 था, इसको मिटा दीजिए। अब क्या बच रहा, ये दोनों में से तो हमने कॉमन ले लिया, यहां 2x यहां माइनस 3, तो यहां लिख देंगे 2x माइनस 3। अब इसके मूल निकालने हैं, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक एक करके लेंगे, यदि क्या लिखेंगे, यदि अगर मैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2, एक मूल ये हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड, यदि मैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, उसके बाद x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 2। दैट मींस इसके दो मूल क्या आ गए हमारे पास, पहला आया x की वैल्यू क्या आई, माइनस 2, एंड दूसरा आया x की वैल्यू 3 अपॉन 2। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था उसको भी हमने बहुत इजी तरीके से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अगर आप एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल भी अच्छे से आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। डाउट तभी आपके माइंड से दूर होगा जब आप वीडियो को विदाउट इसके किए पूरी अंत तक देखेंगे। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी गुणनखंड विधि से हल करना है, तो कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट नंबर की गुणा करते हैं हम लास्ट वाले नंबर के साथ, तो यानी कि इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणा 5 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट की गुणा अंडर रूट के साथ ही होगी तो ये कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 4। 4 तो क्या लिख सकते हैं हम, 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहां से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, रूट खुल जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर लेते हैं जिनको प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, मेरा 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट यानी कि गुणनखंड आया है। तो इसके जब हम गुणनखंड करते हैं 10 के तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 5 और 5 1, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, 7x आना चाहिए, वो कब आएगा, जब हम इन दोनों को प्लस माइनस करके जब आएगा, देखो ये x की फॉर्म में है तो इसको x की फॉर्म में लिखो, 2x प्लस 5x लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा मेरे पास 7x, तो यानी कि 7x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। 7x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2x प्लस 5x। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हम लेते हैं इसमें से पेयर, ठीक है, पेयर ले लिया। अब इस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 2 कब आता है हमारा, अंडर रूट जो मेरे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई हमने करी थी आपस में, ठीक है, तो हमारा क्या आया था, लास्ट में आया था हमारा 2,
ये वाला 2 जब हमने इस दो अंडर रूटों की गुणा कर ली, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, और इसको जब हम खोल देंगे तो ये क्या आता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 और लास्ट में 2 आ जाता है, यानी कि हम इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ठीक है। तो सिंपली ये आ जाएगा, तो इसमें से अंडर रूट 2x मेरा बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक अंडर रूट 2 इसका और एक अंडर रूट 2 साथ में x है तो इसके साथ x भी लगा दो, एक के साथ मैंने x लगा दिया है, तो ये आ जाएगा एक ये वाला अंडर रूट 2x और इसका अंडर रूट 2x बाहर कॉमन आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2x मेरा बाहर कॉमन आ चुका है, इसका अंडर रूट 2x बाहर आ गया, यहाँ पे 2x थे यानी कि x स्क्वायर था, तो अंदर बचेगा x प्लस, और इसका क्या बच रहा है, इसका अंडर रूट 2 बच रहा है, ठीक है। अब सिंपली इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस, यानी कि ये x बच रहा है और इसके साथ अंडर रूट 2, अंडर रूट ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये और ये क्या है हमारे पास, सेम सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 और उसके बाद बाहर क्या बच रहा है 2x प्लस 5, यानी कि एक बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहां पे लगेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो आ चुके हैं, इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, पहले ये वाला लेते हैं, यदि क्या लिखेंगे, यदि x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अंडर रूट 2, पहला मूल तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यदि अगर हम क्या लें, क्या यदि अगर हम ये वाला लें, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। दैट मीन्स हमारे पास दो मूल क्या आए, पहला मूल आया x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 एंड सेकंड आया हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2, यही क्या है हमारे आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत ही इजी तरीके से, और ये वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही टफ मानते हैं बच्चे इसको, जब मैं ऑफलाइन में इसको पढ़ाता हूँ बच्चों को, ये वाला जब मैंने क्वेश्चन करवाया था बच्चों को तो उनको बड़ा ही मुश्किल लगा, और मैंने उनको जब इस प्रोसेस से उनको समझाया तो बहुत ही एकदम से समझ में नहीं पाए थे, और जब मैंने उनको कहा कि एक दो बार आप खुद से कर लेना, तो उन्होंने एक दो बार करके आराम से उनको समझ में आ गया था, तो आप भी एक दो बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, या वीडियो आप एक दो बार देख सकते हैं, उससे कि आपकी समझ में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो मुझे इसको सिंपल जो हमारे पास द्विघात समीकरण होती है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास भिन्न में है तो इन दोनों को भी भिन्न में बदल देंगे, तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसके भी नीचे 1 मान लो, इसके भी नीचे 1 मान लो, अब ये सिंपल यहां आ जाएगा, ठीक है, और सिंपली इसको भी सीध में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 अपॉन 8, ठीक है। अब सीध में आ चुके हैं, अब देखिए यहां पर इसमें हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, ये लो आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस 1 की टेबल में ये 8 कितने टाइम आता है, तो 8 की टेबल में 8 8 बार ही आता है, तो उस 8 की मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, यानी कि उस 8 की गुणा यहां कर देंगे, तो 8 2 जो कितना होता है 16 और साथ में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। एक बार दोबारा समझा देता हूं, सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, ये 8 आ गया हमारा एलसीएम, तब हमने क्या किया कि पहले वाले भिन्न को लेते हैं, तो इसका जो हमारे पास हर का नंबर होता है इसके पहाड़े में ये कितनी बार आता है, तो एक के पहाड़े में 8 टाइम ही आता है, यानी कि 8 बार ही आता है, तो उस 8 की गुणा हम इस अंश वाले नंबर के साथ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। सेम चीज क्या होगा, इसके भिन्न में जब हम देखते हैं तो हर वाले नंबर के पहाड़े में ये कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, तो उस 8 की गुणा यहां कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है। फिर 8 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 1 टाइम, तो उस 1 की गुणा 1 के साथ, यहां 1 ही है तो यहां 1 के साथ कर देंगे, और इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस में क्या होता है, इसको इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये गुणा में जाएगा, और गुणा में जाएगा दैट मींस क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे कर लीजिए, इज इक्वल टू 0 था हमारा, ये भिन्न में, इसको भी भिन्न में बदल लो, या तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो 8 की गुणा 0 के साथ होगी तो 0 ही आएगा, और इसकी गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, दैट मींस हमारे पास क्या आएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 कैसे आया, इस 8 की गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आता है, और इस पूरे नंबर की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 के साथ, उसी भी किसी भी डिजिट की हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिजिट आती है। अब आगे हमारे पास द्विघात समीकरण, अब मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट नंबर की गुणा लास्ट नंबर के साथ, तो यानी कि 16 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। अब हम बीच का पद चाहिए हमें माइनस 8x, तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी गुणा करने पे तो 16 आए, जो हमारा गुणनखंड आया है, यानी कि गुणा करके आया है, और फिर उसके बाद हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे मेरा 8x आए, तो मुझे 16 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। फिर
दो से जाएगा 2 8 16, फिर 2 से जाएगा कितना जाएगा 2 6 8, फिर 2 से 2 2 4, और फिर कितना फिर आ जाएगा 2 से 1। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, 8x चाहिए, या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे क्या आना चाहिए मेरे पास, 8x आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को क्या दूं, 4 + 4 कर दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा, यानी कि 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूं, अब ये x की टर्म में है तो यहां x मान लूं, ठीक है, तो ये 8x हो जाएगा, यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 4x + 4x, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16x² - 4x। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पर प्लस लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां आगे माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये तो घट जाएंगे, लेकिन मैं यहां पे क्या लिखूंगा, प्लस, क्या लिखूंगा, प्लस, तो माइनस आएगा, लेकिन ये तो घट के जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखना है यहाँ पे, माइनस लिखना है। तब क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस होगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 8x, ठीक है, फिर आ जाएगा +1 = 0। अब ले लेंगे हम इन दोनों में कॉमन, ठीक है, 16x² को क्या लिख सकते हैं, 4x × 4x, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसका 4x, यानी कि ये वाला और ये वाला बाहर कॉमन आ जाएगा, यानी कि 4x बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, इसमें इसमें बच रहा मेरा 4x, ये बचेगा 4x माइनस, यहां कुछ नहीं बच रहा, तो यहां 1 मान लो, जिसमें कुछ नहीं बचता है उसमें हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो जिसमें कॉमन कुछ नहीं होता है उसमें मान लेते हैं हम 1, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका सिंपली 4x। अब देखिए यहां प्लस ये, तो यहां मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब दोनों में क्या आ चुके हैं, हमारे कॉमन आ चुके हैं, तो इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा 4x - 1, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4x और -1, तो ये भी आ जाएगा 4x - 1, ठीक है। अब जब आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, यदि करके लेते हैं पहले वाला, अब आप सोच रहे होंगे ये तो सेम सेम है, अगर सेम सेम है तो सेम ही लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यदि यदि हम 4x - 1 लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4x = 1, क्योंकि माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू चाहिए तो 4 = 1/4, यानी कि x की वैल्यू चाहिए, ये 4 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके अपॉन में चला जाएगा। अब दूसरा लेते हैं, दूसरे के लिए क्या करेंगे, यदि 4x - 1 = 0, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सीधे सीधे क्या लिखूंगा, x की वैल्यू लिखूंगा 1/4, यानी कि दोनों सेम सेम थे तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है, पहले मैं समझा दिया है कि कैसे सॉल्व होता है, तो यहीं पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसको भी इजी तरीके से हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, वो है फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है हमारे पास 100x² - 20x + 1 = 0। मैंने आपको क्या बताया था, इसको भी सेम करना है गुणनखंड विधि से, मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट और लास्ट नंबर की गुणा करते हैं, तो 1 × 100 = 100। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे 20x आए, और गुणा करने पे क्या आ जाए मेरे पास 100 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, अगर मैं 10 और 10 लूं तो क्या आ जाएगा, ऐड करने पे मेरा 20 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो अगर आप गुणनखंड ही करते जाएंगे तो उसमें एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसी तरीके से जब आपको आता है तो आप कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 100x² - 10x, ठीक है। अब अगर मैं यहां प्लस लिखता हूं और 10x लिखता हूं +1 = 0, ठीक है। अब ये तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो घट जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां पे क्या लिख दूं, माइनस लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 10x में 10x ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20x, और सिंबल आ जाएगा माइनस का, बस कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, हमने क्या लिखा 20x की जगह ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में देखिए 100x² को क्या लिख सकता हूं, 10x × 10x, तो x स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 10 × 10 = 100 हो जाएगा, 100x². अब देखिए यहाँ भी 10x है, इस 100 में भी 10x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाहर 10x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इसका बच रहा है 10x, तो ये हो जाएगा 10x माइनस, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि 10x तो बाहर कॉमन आ चुका है, तो जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 ले लेते हैं। अब हम कॉमन ऐसी चीज लेते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं ब्रैकेट के अंदर करूं तो मेरे पास सेम डिजिट यही आ जाएगी। अब देखिए अगर मैं 10x की मल्टीप्लाई 10x के साथ करूंगा तो 100x² आ जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस है तो ये माइनस आ चुका है, अगर इस 10x की 1 के साथ करूंगा तो 10x आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि कॉमन हम ऐसी चीज लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, इधर देखिए यहां कॉमन कुछ नहीं बच रहा तो यहां मान लो -1। अब देखिए अंदर प्लस चाहिए तो यहां हम सिंबल चेंज कर देते हैं तो प्लस आ जाएगा, यहां क्या बच रहा है 10x - 1। अब देखिए इस -1 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहां अंदर करूंगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 के साथ करेंगे तो -10x आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से तो ये हो जाएगा 0। अब इसको खोलेंगे, ये और ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि 10x - 1, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या बचा 10x - 1, दूसरा ही बचा 10x - 1,
ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यदि अगर मैं 10x माइनस 1 लेता हूं इज इक्वल टू 0, यहां पे 0 लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू ये माइनस 1 इज इक्वल टू के इधर जाके 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि पहली वैल्यू ये आ जाएगी, दूसरी भी सेम आ जाएगी, यानी कि यदि अगर मैं क्या लेता हूं ये वाला लेता हूं 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। इसको सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये भी सेम ही है तो इसका भी सेम आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हमने क्या किया है, गुणनखंड विधि से हल किया है और उनके जो मूल हैं उनको ज्ञात किया है। आई होप आपकी समझ में पूरा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।